हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और उसके बाद हम कलीग भी थे। मैं जिली की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या बात है? जोंकिंग, जोंकिंग। पापा, देखो अब हमें चलना चाहिए। चलो मुमू, हम चलते हैं। बाय बाय अंकल आंटी। बाय। गुड बाय। जोंकिंग, जिली यहाँ क्यों आया है? वो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसी के जैसा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। वो काफी दिनों से घर नहीं आया है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं नहीं, उसे घर आने को कहो। घर नहीं आया वो, उससे कहो एक बार तो आकर मिले। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसे बुला लूंगी। ग्रैंडपा आगे सीढ़ियाँ हैं। मुमू तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हें चोट तो नहीं आई? हम घर पहुंच गए। जरा संभल कर आराम से। ये हम घर आ गए, घर आ गए। जरा रुको। मुझे खेलना है। एक मिनट मुमू, आराम से। मेरे कमरे की चाबी और ये सामान ऊपर लेकर जाओ। चलो अभी अभी खाना बना रही हूँ। ज्यादा टाइम फोन मत यूज करना। तुम्हें पता है ना कि वो जिली नहीं था? पक्का मालूम है? आप उसे ये सवाल कितनी बार पूछ चुके हैं पापा। मैंने कहा ना वो नहीं था। आपको गलत फहमी हो रही है। तुम तो कहती रहती हो कि वो वापस आएगा। कब आएगा वो वापस? जल्दी आ जाएगा। ये लीजिए पानी पीजिए। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप उसे अच्छे से जानते हैं। आखिरकार वो आपका बेटा है। वो मेरा स्टूडेंट है। बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो तेज नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये आप पहले भी हजार बार कह चुके हैं, मैं सुन सकती हूँ इसे। लगता है आपको अब आराम करना चाहिए। खाना जब भी तैयार होगा तो मैं आपको बुला लूंगी। तो क्या आज आप खुश हैं? हाँ मैं हूँ। चलो अच्छा ओके बाय। चलो 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 आराम से। बाय बोलो अंकल आंटी को। गुड बाय, टेक केयर। बाय 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 बाय। आराम से जाइए। बाय बाय। गुड बाय इंडियन। चलो आजा। वो जाना ही नहीं चाहता। भैया निकले अभी? नहीं तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम लोग जाओ ठीक है? क्या सच में? बाद में मिलता हूँ। हाँ सुनो, वो लड़की कौन थी? अरे एक्चुअली वो भैया की एक्स वाइफ है। जॉनजी? वो जॉनजी थी? कोइंसिडेंस। उसका बच्चा 5 साल का है, वो अब भी कितनी सुंदर है। लियो मैन्यू उसके सामने कुछ भी नहीं। अब समझ आया उसने तुम्हारे भाई को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? असल में तो भैया ने सामने से रिश्ता तोड़ा था। भाभी दूसरों की बातें सुनकर झांसे में फंस गई और मेरे भैया का दिल तोड़ दिया। और बाद में जब सब खत्म हो चुका था तब उसे बात समझ में आई। मौका हाथ से चला गया था और मेरा भाई भी दूर चला गया। अब समझी, वो सच में अजीब है। कोई इतने सालों तक अकेला कैसे रह सकता है? मेरी समझ से बाहर है। छोड़ो वो सब, चलो निकलते हैं। चेंजेंस सो गया? हाँ सो गया। तुम्हें क्या हुआ? तुम सारे रास्ते चुपचाप थी। आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। जो लड़का टीएनटीएन के साथ झगड़ा कर रहा था वो मुझे कुछ अजीब लगा। हाँ, कोई बात है? उसकी माँ हुआंग के कॉलेज में थी।
और वो दोनों साथ में हॉस्पिटल में थे। कितना अजीब है ना ये। सच में। और हाँ, वो किसी और का भी तो बेटा है। मुझे नहीं पता ये सब, मैं उससे कैसे पूछूं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शर्मिंदा थे। वैंग सिली भी काफी खोया खोया सा लग रहा था और वो औरत खुद को शांत कर रही थी। उनका रिश्ता कुछ और ही होगा। बस भी करो, तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रही हो। जैसे कि हुआंग सिली के पीछे सभी लड़कियां हैं। माँ मेरा विश्वास करो, मुझे भरोसा है खुद पर। मैंने जो सोचा है वो बिल्कुल सच है। और वो औरत काफी खूबसूरत थी, मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, इतनी खूबसूरत थी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ ये सच है। अगर उनके बीच कोई रिश्ता था भी तो अब तुम हो, उसका बेटा भी है, और तुम्हें लगता है वो एक दूसरे के साथ वापस आ जाएंगे? ये सब मैं नहीं जानती। बस करो, इस बात को यहीं पे खत्म करो, इस बारे में जिक्र भी मत करना। इतने जेलस होने की क्या जरूरत है? हाँ मैं समझ रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी देने में मैंने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ज्यादा अमीर लोग नहीं हैं। तुम्हारे पास एक अच्छा परिवार है और करियर भी। मुझे लगता है तुम सब लोगों से कुछ ज्यादा ही अलग हो। माँ क्या तुम्हें इस बात का अफसोस हो रहा है? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और खास करके एक परफेक्ट दामाद ढूंढना। और हम जिंदगी में वही कर रहे हैं। और हुआंग सिली अगर परफेक्ट है तो वो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस बात को जान लो तुम। ये आप क्या कह रही हैं? और मैं क्या इतनी अकेली हूँ इस दुनिया में? पर तुम सच में बहुत ही लकी हो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए और एक सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहिए। इससे तुम बिल्कुल सिक्योर हो जाओगी। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हाँ हम एक ही कॉलेज में थे और उसके बाद एक हॉस्पिटल में भी। मैं जिले की गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ बढ़िया। जोंकिंग। हाँ पापा। अब हमें चलना चाहिए, हम चलते हैं। मुमू चलो अंकल आंटी से बाय कह दो। बाय बाय अंकल आंटी। गुड बाय। जोंकिंग जिली यहाँ क्यों आया? वो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं आपको गलतफहमी हो रही है। जैसे वो काफी दिनों से घर नहीं आया है। नहीं वो नहीं है पापा। हेलो हेलो
तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है। मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। पर क्यों? मुझे आज तुमसे इतने सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, इसीलिए। ओके, मैं समझ सकता हूँ। क्या तुम उसे कुछ कहना चाहते हो? क्या? मेरी मॉम कह रही थी कि अब हमारी काफी उम्र हो रही है, तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। क्या कहा तुमने? जीशियांग, जीशियांग। हाँ? क्या तुम सो रहे हो? हाँ। उठो अभी, मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे कल बात करते हैं ना भैया। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अरे आप भी ना भैया। क्या हुआ? लियू मन्यू ने मुझसे शादी की बात की। क्या? इसका मतलब क्या हुआ? लियू मन्यू ने कहा कि उसकी माँ को लगता है कि हमें शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा, और तुम्हें तो पता ही है मैंने अब तक डिवोर्स नहीं दिया जोंग किंग को। मैं उस घर के लिए रुका हुआ हूँ। मैंने ये भी कहा कि ये सब इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने उतावले होंगे। वो तो शादी की बात अभी से करने लगे। मैं उनकी जल्दबाजी समझ सकता हूँ। आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हो। देखिए, जितनी जल्दी हमें डिवोर्स मिल सके उतना आपके लिए भी अच्छा और उनके लिए भी। भैया इतना ज्यादा मत सोचिए। आप उससे शादी करेंगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आप दोनों नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सच में आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। नहीं, ये बहुत ही जल्दबाजी में हो रहा है ना? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप 5 साल तक अकेले रहे हैं, आपको फैमिली की जरूरत है। हाँ, मगर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे मेरे और जोंकिंग के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हो ऐसा? आपने मेन्यू का रिएक्शन देखा था जब भाभी वहां पर आई थी? मुझे तो डर लग रहा है कि सच्चाई पता चलने के बाद वो ब्रेकअप ना कर दे। देखिए, आपको ये चीज छुप कर करनी होगी, किसी को पता ना चले इस बारे में। देखो, एक तरफ तुम नई भाभी के साथ शादी करने के बारे में सोचो और दूसरी तरफ पुरानी भाभी को डिवोर्स देने के काम पे लग जाओ। बिल्कुल सही, ये रास्ता अपनाना बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सिर्फ बच के चल रहे हैं। कहना जितना आसान है उतना करना नहीं। वो घर का क्या होगा? वो तो आपका डिसीजन है। आपको यहाँ पे घर मिल रहा है जिसका आप 5 साल से इंतजार कर रहे थे, और उसके साथ में शादी के बारे में सोचिए। मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द पहले डिवोर्स लेना चाहिए, और उसके बाद आप आराम से घर के बारे में सोचिए। ऐसे आपकी शादी भी हो जाएगी और आपको घर भी मिल जाएगा, है कि नहीं? फिर तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म, सही है ना? ये बिल्कुल ठीक रहेगा। भैया आप कर सकते हो, तैयार हो जाओ। बस हो चुका भाई। हाँ, अपनी मीटिंग अभी खत्म करते हैं और सोने जाते हैं। नहीं भैया, मैंने जितना बोला उतना कीजिए और शांति से सो जाइए, मुझे अभी नींद आ रही। भैया जल्दी करो। आया अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ भैया? अंदर? भैया अंदर है। भैया जल्दी आओ ना, मुझे भी लगी है। हाँ मैं समझ गया, आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों? ब्रश मैं कर जल्दी लो। आता हूँ, तुम रुको। हाँ जा, जा। आ रही हूँ। मैन्यू भाभी आप यहाँ कैसी? आइए ना। हाँ। आ
घर तो ठीक ठाक ही है जी। काफी गर्मी हो रही है। भैया मैन्यू भाभी आई हैं। हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। मैं पानी लेकर आऊं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी आप यहाँ पर, अरे बैठिए ना। लुलू क्या तुम भी यहीं रहती हो? जी हाँ मैं यहीं रहती हूँ। ओह लेकिन तुम तो एक लड़की हो और यहाँ मर्दों के बीच में ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है। जी थोड़ी मुश्किल तो होती है पर अब मुझे आदत पड़ गई है। ओह ये तो अच्छी बात है कि ज़िकी यांग इस वक्त घर पे है, मगर जब भी वो काम पर जाता होगा तो तुम जिली के साथ यहाँ अकेली अजीब है ना? मन्यू तुम बहुत ही ज्यादा सोच रही हो। लुलू जीशांग की गर्लफ्रेंड है, वो शादी करने वाले हैं। पानी यहाँ रखा, मैं चेंज करके आता हूँ, मुझे काम पर जाना है। तुम्हारे लिए तो ठीक है पर आसपास के लोग क्या सोचते होंगे, पड़ोसी क्या कहते होंगे? यहाँ काफी लोग तुम्हें जानते हैं, पता नहीं वो कैसी कैसी बातें करते होंगे। जिली मुझे लगता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि तुम दोनों काफी अच्छे भाई हो लेकिन फिर भी तुम्हें अलग रहना चाहिए, और इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है, उसके साथ रहना तुम्हें थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? अब बस हो गया जिली, चलो अब बाहर भी आ जाओ। क्या क्या कहा तुमने अभी? मैंने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। शिफ्ट हो जाना चाहिए? हाँ। पर कहाँ? मेरे घर पर, मेरा घर बहुत बड़ा है, काफी जगह है। पर क्या तुम्हें चलेगा? इट्स ओके, और यहाँ से तो काफी बेहतरी है ना मेरा घर? नहीं हम यहाँ फैमिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ माना कि तुम एक फैमिली हो मगर यहाँ काफी चीजें हैं, और वैसे भी तुम्हें अब फार्मेसी में काम करना है तो आने जाने का टाइम और वो सब भी तो देखना होगा। नहीं भैया मैन्यू भाभी कितनी अच्छी है, मुझे तो आपसे जलन हो रही है। आप इनकी ऑफर को मना भी कैसे कर सकते हो? और अब तो ये आपकी गर्लफ्रेंड भी है ना, आप दोनों को एक साथ राजी खुशी रहना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने जिली, तो फिर ये फैसला सही है कि तुम वहाँ जाओगे? भैया उम्मीद है आप खुश रहेंगे। तुम दोनों को भी गुड लक, अपना ख्याल रखो। भैया टच में रहना। भैया अपने घर चले गए। क्या हुआ, तुम अपने भाई को मिस करोगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मेरे भाई को बाहर निकालना चाहती थी। मैं और मेरा भाई कुछ दिन साथ में क्या रहने लगे इस घर में, तुम्हें तो वो बोझ लगने लगा। अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो आज भी वो हमारे साथ रहता। ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से मैंने मेरे भाई को दुख पहुंचाया। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे भाई हो, पर मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। मैन्यू भाभी ने बिल्कुल सही किया है, आज नहीं तो कल दोनों भाइयों को अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं बस उनकी मदद कर रही थी, तुमने देखा नहीं भाभी मुझसे किस तरह से जल रही थी? वो जो चाहती है मैं उन्हें दिलवा के ही रहूंगी। शायद तुम सही हो, मैंने थोड़ी सी बॉसी ही। हाँ तो? और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई और अभी से वो शुरू हो गई। छोड़ो ना, उनके बारे में सोचना बंद करके अब अपने बारे में सोचो। अब भैया तो बहुत बड़ी विला में चले जाएंगे और प्रेसिडेंट हुआंग भी बन जाएंगे, वो अब ऊंचे लेवल पर चले जाएंगे और हम रेस्टोरेंट में ही काम करते रह जाएंगे मिडिल क्लास लोगों की तरह, और छोटे घर में रहेंगे। ठीक है फिर, रहने दो भाई को उसके साथ। अरे हम काम पर क्यों नहीं जा रहे? अच्छा ठीक है ना,
गुस्सा मत करो, चलो घर चलते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, अब सिर्फ हम दोनों हैं, आज सेलिब्रेट करेंगे, घर चलो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कह देना, मैं बाजार से लेकर आ जाऊंगी। चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हें उनके बीच में नहीं रहना पड़ेगा। अब वो उनकी अपनी दुनिया में रह सकते हैं और तुम यहाँ आराम से मेरे घर पर, और तुम्हें कोई असुविधा भी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं। तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं इतने बड़े घर में नहीं रहा कभी, तो क्या ये सही होगा या नहीं? मुझे भी भाड़ा भरना होगा, और जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम पैसा बांट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। यहाँ मेरी एक तस्वीर है, इसलिए मुझे ज्यादा मिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम भी गाड़ी संभल कर चलाना। मैं समझ गई, मैं जा रही हूँ, बाय। मॉम, मॉम, मुझे बाहर जाकर खेलना है। कहाँ जाना है? जाओ जाकर बैलेंस कार का गेम खेलो, जाओ जाओ। ओके, मैं भी चलती हूँ, चलो। दो चाहिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ समय बाद ट्राई करें। हाँ जी मैडम, बताइए आपको क्या क्या चाहिए। ये वाला। ये वाला? हाँ। हाँ। इसके टुकड़े काट के देना। हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। यू वेलकम। जानेमन, क्या तुम अभी सर्जरी में हो? मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुमने घर कब पहुंचोगे? मैसेज सुनते ही मुझे फोन करना। सुनो ना, याओ याओ कहती है कि वो तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती है। बहुत दिन हुए तुम घर नहीं आए, अगर हो सके तो जल्दी घर आ जाओ, और आज रात हो तो बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना के रखूंगी। ये लीजिए जैसा आपने कहा था।
ये बताना, ये वाली काफी अच्छी है, मैं ये पहनकर देखूंगी। मैडम, ये अंगूठी बहुत ही क्लासिक है, आप पर काफी जच रही है। हाँ, ये काफी सुंदर है, मैं ये वाली खरीदती हूँ। माफी चाहती हूँ मैडम, हमारे नियम के अनुसार ये अंगूठी आपको आपके बॉयफ्रेंड के आईडी नंबर द्वारा खरीदना होगा और हम उनका नाम वेबसाइट पर डाल देंगे। हम आप दोनों का नाम वेबसाइट पर डाल देंगे। तुम्हारा मतलब कि इसे सिर्फ मर्द ही खरीद सकते हैं और मैं नहीं? हाँ मैडम। कितनी अजीब बात है, तो फिर मुझे अपने पति को भेजना होगा। सॉरी। ठीक है, तो फिर मेरे पति ही यहाँ आकर ये अंगूठी खरीदेंगे। माफ कीजिए मैडम। कल मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम घर में आराम से रहना। आप कितने समय तक जा रही हो? ज्यादा नहीं बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। हे मॉम, क्या ऐसा हो सकता है आप ना जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे वहाँ जाकर तुम्हारे जैसे कई और बच्चों की मदद करनी है। तुम भूल गए क्या कि मैं एक डॉक्टर हूँ? हे मॉम, मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ताकि मैं भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं। ओह, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम भी डॉक्टर बनना चाहते हो, है ना? ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। लेकिन उससे पहले तुम्हें दो चीजें करनी होंगी, ठीक है? मुझसे प्रॉमिस करो। पहले दादाजी का ख्याल रखोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्या बात है। और दूसरी बात, ज्यादा टाइम आईपैड पर नहीं बिताओगे, ओके? प्रॉमिस करो पिंकी, प्रॉमिस करो। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो रही है। अपनी आंखें बंद करो, जागना नहीं है, ठीक है? क्या तुम गाना सुनना चाहोगे? नमस्ते। हेलो, ज़ोंकिंग से मिलना चाहता हूँ। आइए ना। थैंक यू। नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे अगर तुम चली गई तो? मैंने आपसे कहा ना, सिस्टर ली आपका ख्याल रखेंगी, फिर आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सिस्टर ली तुम्हारी जगह ले सकती है क्या? क्या सिस्टर ली तुम्हारी जगह ले सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़िलिया, ज़िले, क्या करें आप, ज़िली यहाँ नहीं है। ज़िली वापस आ गया है। ज़िली वापस आ गया है। हाँ, ज़िली यहाँ आओ। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? हाँ आओ, बैठो बैठो बैठो। वो मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। अरे नहीं, तुम्हें से किसी एक को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। देखिए, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत सारा काम है। तुम जा सकती हो, तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हें लेने आ चुकी है। हा? गाड़ी बाहर लेने आई मतलब? देखो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर आ सकते हो प्लीज? हाँ डैड, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी करो। हाँ जाओ जाओ जाओ।
देखो बात यह है कि वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैल चुकी है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, एयरपोर्ट जाना है? हाँ। लेकिन इनका क्या होगा यहाँ? तुम्हारे डैड का कौन ध्यान रखेगा? नानी के भरोसे छोड़ सकते हैं? वो काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। पापा ने जब से तुम्हें देखा है वो तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं और अब मुझे बाहर जाने से मना कर रहे हैं। क्या करूं बताओ? मैं इन्हें ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकती और घर पर भी नहीं रह सकती। वहां मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो अब तुम क्या करोगी? हाँ, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। लेकिन अब तुम यहाँ आ चुके हो तो मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहती हूँ। क्या तुम यहाँ रहकर इनका ख्याल रख सकते हो? पर कैसे? दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मोमो तो स्कूल जाता है और सिस्टर ली यहाँ रहेगी पापा का ख्याल रखने के लिए। और तुम बस रात को आ जाओगे तो देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो, मतलब सिर्फ 10-15 दिनों की बात है, उसके बाद तो मैं लौट आऊंगी। बुरा मत मानना। वेल, देखो, तुम्हें तो मेरी सिचुएशन अच्छे से पता है। तुम सब कुछ जानती हो, राइट? पिछली दफा तुमने देखा था कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने तुमसे अचानक से ऐसे पूछ लिया तो तुम भी कैसे तुम्हारे भी काफी काम होंगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगी। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है? ज़ेलिया, ज़ेलिया, इधर आओ। डैड, इतनी लंबी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो फ्लाइट पकड़नी है, छूट जाएगी तुम्हारी फ्लाइट। बाय डैड, मैं जा रही हूँ। तो सिस्टर ली आपका ख्याल रखेंगी। मेरे पास ज़िली है, उतना ही काफी है। नहीं, इन्हें बहुत से काम है, ये कैसे रुक सकते हैं? अरे नहीं, तुम्हें से किसी एक को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। ज़िली, तुम मत जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं ज़ोंकिंग को बाहर छोड़कर आया हूं। पापा, मुझे जाना होगा अब। ड्राइवर मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। आप अपनी दवाई लेना मत भूलिएगा, ठीक है? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। कुछ भी काम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और उल्टा सीधा कुछ भी मत खाइएगा, तेल वाला बिल्कुल भी नहीं। सिस्टर ली, मुमु को स्कूल लेने जाना मत भूलना और उसे ज्यादा आईपैड मत देना। जी, जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, बाय डैड, मैं आते समय तोहफे लेकर आऊंगी। मुझे दीजिए। थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। आंटी मेरे डैड का ख्याल रख सकती हैं। एक्चुअली वो काफी सालों से ऐसे ही हैं, हमेशा से, लेकिन वो तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा याद करते हैं। तुम्हारे बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। कभी कभी टाइम हो तो उनसे बात करते रहना, उन्हें अच्छा लगेगा। तुम जाओ, मैं यहाँ जब भी टाइम मिलेगा तब आकर चेक करूंगा। थैंक यू। कोई बात नहीं।
डैड ऐसा ही करते हैं, वो अक्सर सो जाते हैं, कभी कंफ्यूज भी रहते हैं। आप हुआंग जिली है ना? हाँ जी। वो आपका नाम रोज लेकर याद करते हैं। आप सिस्टर ली हैं ना? जी। क्या मैं आपकी किसी भी चीज में मदद कर सकता हूँ? क्या आप थोड़ी देर के लिए इनके पास बैठ जाएंगे? मैं तब तक बच्चे को लेकर आती हूँ। बिल्कुल जी, शुक्रिया। क्या हुआ मोमो, तुम इतने उदास क्यों हो? कोई बात है? मुझे नहीं पसंद आता जब मम्मी बिजनेस ट्रिप पे जाती है। वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं गई है बेटा, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। मॉम ने भी यही कहा। और क्या कहा मम्मा ने? आईपैड पे ज्यादा मत बैठो और ग्रैंडपा की मदद करो। हाँ, वो जो अंकल रहने आए हैं वो मम्मा के फ्रेंड है ना, वो अब तुम्हारी और नाना जी की देखभाल करेंगे। तुम्हें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन मुझे उस अंकल की जरूरत नहीं। मोमो, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अच्छे बच्चे बन जाओ। अरे आप आ गई। जी, डॉक्टर जोंग का बेटा है ये मोमो। जी हेलो, इन्हें अंकल बोलो बेटा। हेलो अंकल। इसकी मामा बिजनेस ट्रिप पर गई है, इसलिए ये बहुत ही दुखी है। कोई बात नहीं, बच्चा है। डॉक्टर जोंग अब ठीक है? हाँ, वो अभी सोकर उठे हैं, उन्होंने मुझे दवाई देने को। ओ, आपको देखने के बाद तो वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आप प्लीज बैठिए ना, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सिस्टर ली जी, मुझे मालूम नहीं था ये सब कुछ, मैंने कुछ बताया नहीं है। मुझे कुछ सामान भी लेना। आप खाना खाकर जाइएगा वरना मिस्टर जोंग आपको ढूंढने लगेंगे। ओके, मुझे जाना चाहिए अब, वरना देर हो जाएगी। आप वापस जरूर आइएगा, आपने उनसे वादा किया है। बिल्कुल, आपको कहने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो उन्हें अकेले हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिस्टर जोंग बहुत ठीक थे जब तक डॉक्टर जोंग बिजनेस ट्रिप पर थी, पर इस बार वो बहुत ही इमोशनल हो गए, आपको रोज याद करते हैं। मुझे डर है कि अगर आप नजर नहीं आए तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मैं उन्हें अकेले नहीं संभाल सकती। मैं समझ सकता हूँ, मैंने जोंगशिंग से वादा किया, मैं जरूर निभाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप नहीं आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिक्र ना कीजिए, मैं जरूर आऊंगा। तो फिर ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हैं, मुझे लगता है आपको ये ले लेना चाहिए। सर, पैसों की कोई बात नहीं है। हाँ मुझे मालूम है। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। जिले। हाँ डैड। हुआंग, तुम वापस कब आओगे? वो आपसे बात करना चाहते हैं। ज़िलिया, कहाँ हो तुम? मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मुझे दिखते क्यों नहीं? हाँ, वो बस थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए,
झूठ मत बोलो तुम। तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देखिए डैड, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। अब आपने सुन लिया ना, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आंटी मेरा हो गया क्या? आप आकर मुझे साफ कर देंगी? हाँ हाँ, मैं अभी आई। सर अब जल्दी आ जाइए। हाँ ओके। ड्राइवर डिंगो इसे। जी सर। हे, तुम तो वॉन्ग जिली हो ना? हाँ। काफी दिनों के बाद दिखे हो तुम। जी। बिजनेस ट्रिप? हाँ बिल्कुल। मुझे हाल ही में हृदय में तकलीफ हो रही है, क्या तुम चेक कर सकते हाँ, हो? हाँ क्यों नहीं, जरूर।